भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार का मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका। अब यह मैच रिजर्व डे यानी कल पूरा किया जाएगा। प्रेमदासा स्टेडियम में बारिश के कारण खेल रोके जाने तक भारत ने 24 एक ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बनाए थे। विराट कोहली और लोकेश राहुल क्रमशः 8 और 17 रन बनाकर खेल रहे हैं। 25वें ओवर में जब बारिश शुरू हुई तो फैंस के दिलों पर खंजर चलने लगे। लगने लगा कि ओवर कटेंगे और ऐसा हुआ भी। ग्रुप मैच पहले ही रद्द हो चुका था तो बारिश के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने विशेष व्यवस्था की। इस मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया। लगभग 8:30 बजे मैच शुरू होना था। अंपायरों ने DLS के तहत 34 से 34 ओवर का मैच निर्धारित किया, लेकिन फिर बारिश आ गई। इसके बाद मैच शुरू नहीं हो सका और उसे कल के लिए रेफर कर दिया गया। हालांकि फैंस के लिए खुशी की बात यह है कि रिजर्व डे जब मैच शुरू होगा तो मैच 34 से 34 ओवर का नहीं बल्कि पूरा खेला जाएगा। इससे पहले पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। श्रेयस अय्यर अचानक बैक इंजरी की वजह से टीम इंडिया में प्लेइंग 11 से बाहर गए, जबकि शमी को बुमराह की वजह से बाहर होना पड़ा। KL राहुल ने अय्यर की जगह मोर्चा संभाला। पारी का आगाज करने आए रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी को छक्का उड़ाते हुए खाता खोला तो क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने भी अफरीदी को एक ही ओवर में 3 चौके ठोककर धार दिखाई। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 56 और शुभमन गिल 58 हालांकि अर्धशतक जड़ने के बाद पवेलियन लौटे। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का ग्रुप मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था। एशिया कप के श्रीलंका चरण में बारिश ने मुकाबलों में लगातार खलल डाला है। पूरे टूर्नामेंट के दौरान श्रीलंका की राजधानी में बारिश की भविष्यवाणी की गई है।